15 actually. नमस्कार, मैं अमित सिंह आज एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष रूबरू हो रहा हूँ एक बार एक नए साहित्यकार को लेकर। पिछले वीडियो में आपने देखा राहुल साकृत्यायन जी का जो जीवनी रहा, उनका सफ़र कैसा रहा और उनका घर कैसा रहा, सबसे मैंने आपको मुखातिब कराया। और दूसरे नंबर पे जो हमारे लिस्ट में है, अयोध्या सिंह हरियाउध जी के घर आज मैं हूँ। आप वीडियो क्लिप की सहायता से देख सकते हैं यहाँ का कैसा नज़ारा है। एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए, निजामबाद के इस गली में ये छोटा सा खंडहर, बगल में गुरुद्वारा है। किस तरीके से साहित्यकारों का यहाँ पे सृजन है, उनकी कृतियों का और उनके निशानियों को किस तरीके से लोग संजोते हैं, आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पे अनेक प्रकार के, एक तरीके से कह सकते हैं कि झाड़ियाँ उग गई हैं घर में और घर बिल्कुल ढह गया है। एक एक ईंट अपना दीवारों से नाता तोड़ दी है, पूरा घर जो है जर्जर हो चुका है। हमारे साथ उनके पौत्र हैं, मौजूद हैं। उन्होंने कुछ विशेष जानकारियाँ से हमें अवगत कराया और आने वाले लेख में मैं आपसे भी उस जानकारियों से रूबरू कराऊँगा। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम काव्य लिखने वाले प्रिय प्रवास के रचयिता रहे हैं अयोध्या सिंह हरियाउध, और कुछ अतुलनीय जानकारियाँ आज हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे उनके परिवार वालों से कि यहाँ पर सरकार और समाज द्वारा कितना योगदान हुआ है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ईंटें बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, यहाँ पे पूरी मकान जो है गिरने के कगार पे है। अतुल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अतुल जी, यहाँ पे सरकार द्वारा आपको कोई मदद प्रोत्साहन मिला है अब तक? वही मिलने वाला था आवास का, जो पैसा पास होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ। आवास का पैसा इनको मिलने वाला था, सिर्फ आश्वासन अभी दिया गया है, पैसे अभी इनके खाते में नहीं आए हैं। हालांकि आवास प्रक्रिया एक बिल्कुल सीधा और समान प्रक्रिया है, हर आदमी को मिल रहा है। एक साहित्यकार के नाते, एक साहित्यकार को लेकर कितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए, कितना लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए सरकार और समाज द्वारा, आप बखूबी जान सकते हैं। हमारे इंटरमीडिएट के कोर्सों में इनके द्वारा लिखे गए पवन दूतिका जैसे चैप्टर को लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देश हित के लिए, समाज के लिए और अपने चैतन्य के लिए और तमाम प्रकार की काव्यधारा को इन्होंने बखूबी से लिखा है। इनके काव्यकृति का लोहा जो है पूरी दुनिया मानती है। खड़ी बोली में, हिंदी खड़ी बोली में इनका पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, जो सबके लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है। उपाध्याय जी का ये महाकाव्य आज पूरे साहित्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। अयोध्या सिंह हरियाउध का जन्म जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था और मृत्यु 1947 में, मतलब मैं कह दूं कि आज़ादी के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज़ादी की बातें को बखूबी वो जानते थे, समझते थे, अपने काव्य में बुनते भी थे। आज खंडहर का एक ऐसा तमगा यहाँ पे है, एक ऐसा धरोहर यहाँ पे है जिसको देखकर आपकी आंखें जो है विचलित हो जाएंगी। सचमुच किसी एक लापरवाही कह लें साहित्य को लेकर, या फिर कह लें कि एक बहुत बड़ी हम लोगों की चूक है कि इस तरीके से यहाँ पर हम एक छोटे से खंडहर और एक छोटे से घर और मकान को सृजन नहीं कर पा रहे। कैसे एक एक बल्ली, एक एक बांस यहाँ पे बिखरे हुए हैं। एक साहित्यकार के घर और एक साहित्यकार की निशानी को किस तरीके से लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप बिल्कुल जान सकते हैं। वही गाँव का किवाड़ा और वही छोटा सा दरवाज़ा और यहाँ मिट्टी का ढेर, एक साहित्यकार को किस नज़रिए से पेश करता है, आज ये चिंतन और मंथन का विषय है। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं बिल्कुल चढ़ रहा हूँ, यहाँ मिट्टियों का बिल्कुल ढेर है। आपसे सीधे सीधे जुड़ने का प्रयास किया हूँ, यहाँ मिट्टियों का ढेर पर कैसे लोग रहते होंगे। हालांकि यह गांव है, लेकिन गांव में किस तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ जर्जर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं इनके किसी काव्य का संग्रह, नहीं सरकार और समाज द्वारा कोई सहयोग है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउध की सभी कृतियों में प्रिय प्रवास जो उनकी कृति है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी खड़ी बोली की पहली कृति है, पहला महाकाव्य है और अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की कृतियों में अनेक विधाएं पाई जाती हैं। उन्हीं विधाओं में सबसे लोकप्रिय जो उनकी श्रृंगार रस की कृति है वो है प्यासी आँखें। कहें क्या बातें आँखों की, चाल चलती है मनमानी, सदा पानी में डूबी रह, नहीं रख सकती है पानी। लगन है, रोग है या जलन है, यह उसने कब किसी को बतलाया। जल भरा रहता है उनमें, पर उन्हें प्यासा ही पाया।